दोस्तों, ये है पावर वीडर या पावर टिलर भी इसको बोलते हैं। आज इसकी मैं सर्विस करने जा रहा हूँ। इसको तकरीबन 10 घंटे मैंने चलाया, नया लिया था, तो 8-10 घंटे बाद इसका इंजन ऑयल और पीटीए शाफ्ट ऑयल, जिसको गियर ऑयल भी बोलते हैं, वो चेंज करना है। इसी को सर्विसिंग बोलते हैं। तो ये रहा अपना मिनी पावर टिलर, 7 हॉर्स पावर का है, इटालियन मेक है। ये जो नॉब लगी हुई है ना, ये है पीटीए शाफ्ट का ऑयल डालने के लिए, ठीक है जी। तो इसका लिंक नीचे तक जाता है, ये बोल्ट है। इसको मैंने लूज़ कर दिया, अब सिर्फ वीडियो बनाने के लिए थोड़ा होल्ड किया हुआ था। अब इसको मैं खोलूँगा, ये सारा हमें ऑयल जो है ड्रेन आउट करना है इस डब्बे में। लेकिन उससे पहले हमें ना जो पावर टिलर है उसको जो पहिए हैं उसके एक एक ईंट नीचे दे लेनी है, ताकि उसकी हाइट जो है ग्राउंड लेवल जो है उससे थोड़ी ऊपर उठ जाए, फिर डिब्बा वगैरह लगाना नीचे ईजी हो जाता है। तो मैं ना उस जो स्क्रू लगा हुआ है उसको लूज़ करता हूँ, तो सारा जो ऑयल है इस डिब्बे में खाली हो जाएगा। तो इसको अब आपके पास ग्लव्स हो तो ज़रूर पहने, कई बार कट कुट लग जाता है और हाथ भी साफ रहते हैं ग्लव्स से, मेन कट का ही होता है। ये देखो कैसे निकल रहा है। मैं 10 घंटे के करीब चला चुका हूँ उसको। अभी अब मुसीबत ये है कि ये तो ओवरफिल हो जाएगा, उंगली से मेरे को इसको रोकना पड़ेगा और एक और डिब्बे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तब तक के लिए मेरे को वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, इसके लिए माफ़ी। दोबारा रिज्यूम करूँगा तो फिर दोबारा बनाता हूँ। ओके जी, अब ये दूसरा डिब्बा लगाया मैंने नीचे, देखते हैं इसमें कितना आता है। ये आ जाए यार इसमें सारा, मेरे तो डिब्बे डिब्बे इकट्ठे करने पड़ेंगे। होपफुली ये तकरीबन मेरे को लगता है 1.5-2 लीटर के आसपास आता है इसमें, क्योंकि इनके मैनुअल्स में एग्जैक्ट इन्होंने बता नहीं रखा होता, और जब काम करेंगे तब भी पता चलता है। तो ये सारा जब तक लास्ट ड्रॉप तक ये ड्रेन आउट ना हो जाए, तब तक इसको डिब्बे को नीचे ही रखा रहने दें। तो जब आखिरी बूंद तक इस डिब्बे में गिर जाएगी ना, उसके बाद हमने इसको क्लोज करना है, स्क्रू लगाना है और ऊपर से यहाँ से फिर डालना है। इसको मैं लूज़ कर देता हूँ ताकि हवा इसको थोड़ा सा और पुश कर दे नीचे, जितना भी बचा हुआ ऑयल वगैरह चिपका होगा साथ में। तो और इसको मैं डाल रहा हूँ ये वाली कंपनी का 20W40। कंपनी आप कोई भी डाल सकते हैं, बस सारे एक जैसे होते हैं, बस ब्रांड ही अलग है। ये 20W40 जो ऑयल की स्पेसिफिकेशन इन्होंने दे रखी है, मल्टीग्रेड मोबिल ऑयल या इंजन ऑयल, ये इसमें मैं डालूँगा। तो ये लास्ट ड्रॉप तक जरा खाली हो जाए, ये तो हो जाएगा पीटीओ शाफ्ट का ऑयल चेंज। इसके बाद नेक्स्ट नंबर लगेगा इंजन ऑयल, ये है इंजन ऑयल की नॉब, यहाँ से तो फिल करते हैं। और ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसको लूज़ करके यहाँ से ये सारा जितना भी इंजन में ऑयल पड़ा है पुराने वाला, वो निकालना है। तो जब वो पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा, उसका भी वीडियो मैं साथ ही इसके बाद बनाऊंगा, तो उसको फिर हमने रीफिल करना है फ्रेश ऑयल से। तो फिर रिज्यूम करता हूँ थोड़ी देर बाद। ओके जी, बाय। चलो जी, लगभग सारा जो ऑयल है वो बाहर निकल चुका है। अब मैं इसको बोल्ट करता हूँ स्क्रू टाइट करने के बाद, उसके बाद फिर मैं फ्रेश ऑयल इसमें डालूँगा। तो ये रहा इसका जो बोल्ट है, यहाँ इसको लगा देंगे इसकी जगह पर वापस।
तेल को साइड में रख देते हैं ताकि गिर ना जाए हाथ वगैरह लगने से। इसकी 12-14 की चाबी है जी, देखो 14 और 12, इसको अच्छी तरह से टाइट कर दे, डबल शोर करें कि टाइट है, लूज रखेंगे तो ऑयल लीकेज होगी तो अपनी नुकसान है भाई, तेल बड़ा महंगा है। बस पूरी तरह से टाइट हो चुका है। अब मैं डालता हूँ ऊपर से इसके तेल, फनल रखी थी है कहीं, ऐसी फनल आपने जरूर लेनी है, ये 5-10 रुपए की आती है, 10 रुपए की आइटम है सस्ती सी, लेकिन आपका ऑयल स्पिल नहीं होगा। इसको इस स्लॉट में डालो और ये बॉटल है 1 लीटर वाली, 1 लीटर वाली ही मिली थी और छोटी ही लेनी चाहिए क्योंकि आइडिया नहीं है कितना डलेगा, और दूसरी बात अभी इजी है इसको ऐसे पोर करना। गिर गया ना नीचे, अब वीडियो भी बनाना है भाई, अकेला आदमी हूँ, थोड़ा माफ़ करना। चलो दोबारा कोशिश करता हूँ कि कैसे करना है, गड़बड़ हो रही है भाई। चलो आपको सिंपल बता देता हूँ कि बस इसमें से ऐसे डालना है, फिर मैं खुद ही डालने के बाद दूसरी साइड का भी वीडियो बनाता हूँ, तब तक के लिए बाय। पीटीओ शाफ्ट का जो ऑयल है वो मैं डाल चुका हूँ भाई, तकरीबन 2.5 लीटर तेल जो आया है इसके अंदर, और अब मैं ये जो डिपस्टिक है ना इसी के ढक्कन के साथ ही अटैच है, इससे इसको चेक करता हूँ इसका लेवल। वैसे तो आंखों से दिख ही रहा है, कैमरे में वो आ नहीं रहा था इसलिए मैंने वहाँ पर कैमरा नहीं लगाया। अब ऐसे इसको टाइट करें, फिर खोल के ये देखो, पता नहीं देख रहा है कि नहीं, इसमें ये नीचे पिंकिश जो है ना ये इसको टच कर रहा है इसको, तो इसका मतलब हमारा लेवल बिल्कुल सही है, अब और तेल नहीं डालना चाहिए। ओके जी, अब दूसरी साइड का वीडियो बनाता हूँ, पहले उसकी तैयारी कर लूँ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों अब ये इंजन ऑयल है, ये जो येलो कलर का इसका ऊपर का टॉप का ढक्कन है ये, इसको खोलेंगे तो इसी में हमने इंजन ऑयल डालना होता है, लेकिन निकालने के लिए जब इसको खाली करना है सर्विसिंग के टाइम, तो ये वाला जो बोल्ट लगा हुआ है ना इसको लूज़ करना है या पूरा बाहर निकालना है, तो इसके लिए अब हमें चाहिए 10 और 12 की चाबी जो कि ऑलरेडी मैंने लगा रखी है, तो अब इसको लूज़ करता हूँ। मुश्किल हो जाता अकेले काम करने, कोई हेल्प थी नहीं पास, तो वीडियो भी बनाना का शौक है भाई और काम करने का भी। चलो जो है ढीला हो चुका है, अब हाथ से खुल जाएगा। ये साइड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को क्योंकि टेढ़ा करना पड़ेगा इसको पावर टिलर को ना, वैसे तो चलो मुश्किल तो कुछ भी नहीं इंसान के लिए। ये
ये खतरा सा थोड़ा सा इधर उधर स्पिल करेगा। चलो पहली बार सर्विस कर रहा हूँ ना, यहाँ थोड़ा वॉशिंग मैंने की थी पहले लेकिन थोड़ी सी डस्ट थी तो वो मिक्स हो के गिर रही है। थोड़ा चौड़ा कंटेनर होगा तो ज़्यादा इजी रहेगा। घास के ऊपर करना चाहिए था, मैंने फर्श के ऊपर कर दिया। घास या मिट्टी जो है वो इसको सोख लेती है, साफ सूफ नहीं करना पड़ता। चलो देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम एंड देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, अगली बार ध्यान रखूँगा। बस ऐसे इसको खाली करना है। ये देखो पूरी धार बनी हुई है और दिखाता हूँ कहाँ से निकल रहा है। ये यहाँ से निकल रहा है, ये जब तक पूरा खाली नहीं होगा तब तक हमें वेट करनी पड़ेगी। स्क्रू को अब सारा तेल जो है बाहर आ चुका है पुराने वाला जो, तो इसको हम ये जो बोल्ट है इसको दोबारा से इसकी जगह पर टाइट करते हैं। अच्छे से टाइट कर देना, बिल्कुल भी जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़नी। हो गया जी टाइट, अब मैं इसमें सेम मेथड से ऑयल डालता हूँ। ये लगा के फाइनल, और इसके बाद मैं ऑयल डालूँगा। अब अकेला हूँ तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भी ऑयल जो है और इसकी जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल ही 90 डिग्री पे है, तो मेरे को पूरा पावर टिलर जो है ना वो एक साइड को टिल्ट करना पड़ेगा ताकि तेल जो है आराम से डल सके। दोस्तों ऐसे जब इंजन ऑयल हमने इसमें रीफिल करना ना तो इसको ऐसे टेढ़ा करना पड़ता है पावर टिलर को। ऐसे कोई लकड़ी की सपोर्ट या ईंटों की सपोर्ट आप दे लें, अगर कोई आपका फ्रेंड है या फैमिली में से साथ कोई है तो वो भी होल्ड कर सकता है इसको टेढ़ा। ये देखो ऐसे टिल्ट करना है फिर इंजन ऑयल डलता है इसमें सही। और अब तक ना तकरीबन पहले शुरुआत में मेरे से गलती लग गई थी, वो 500 ml की बोतल थी तो मेरा तकरीबन 1.5 लीटर जो है वो PTO शाफ्ट में ऑयल डला है, तो अब भी 1.5 लीटर के लगभग इंजन ऑयल डला है, तो कुल मिला के ये 3 लीटर हमें 20W-40 का तेल लेना जो लगता है 3 लीटर जिस हर सर्विस पे, और 120 रुपये से लेकर 140 रुपये तक लीटर है ये तेल। तो डिपेंड करता है शहर टू शहर क्या रेट चार्ज करते हैं, पर MRP इन पे 140 लीटर पर लीटर लिखा होता है 140 रुपये। तो मैंने अब इसको रीफिल कर दिया, ये इसकी येलो नॉब है विद डिपस्टिक, इसमें टाइट करके लगा देता हूँ। तो ये तो हो गई इंजन और PTO शाफ्ट की इंजन ऑयल रीफिलिंग। अब रह गया तीसरा टास्क, वो है एयर फिल्टर को साफ करना, तो उसकी भी मैं तैयारी करता हूँ। फिर इसको खोलता हूँ, यहाँ से हमें खोलना पहले इसको मैं सीधा कर लूँ ताकि गिर ना जाए। अब ये इसका एयर क्लीनर है, इसको खोलता हूँ, इसकी सफाई करनी पड़ेगी
इसमें थोड़ा ऑयल डलता है, ऑयल इसलिए ऑयल वाला जो कंसेप्ट है ना वो बेटर होता है, क्योंकि जो भी डस्ट वस्ट आती है ना अगर का खेत जो ड्राई है मिट्टी धूल उड़ती है तो वो फिल्टर तक पहुंचने से पहले ऑयल में से, ये एयर क्लीनर है इसका, इसको पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। ये रहा है इसका फिल्टर, फिल्टर को भी हमें पेट्रोल से धोना पड़ता है, तो आपके पास पेट्रोल भी रेडीली अवेलेबल होना चाहिए ऑन द स्पॉट। तो ये जो फिल्टर है इसको मैं पेट्रोल में धो के फिर जब ये क्लीन हो जाएगा उसको अच्छी तरह निचोड़ के जब क्लीन हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा यहाँ बाहर की तरफ भी और इसकी उल्टी साइड जो है अंदर की तरफ भी यही इंजन ऑयल हमें थोड़ा सा लगा देना है। और जो ये है पोर्शन इसको भी पेट्रोल से वॉश करना अच्छी तरह, ये वाला जो गंदा ऑयल है इसको बाहर निकाल देना है। ये देखो थोड़ी थोड़ी डस्ट इसने कैच की हुई है ना, तो ये इंजन में नहीं जाती, तो इंजन में डस्ट नहीं जाएगी तो हमारी वियर एंड टीयर नहीं होगी, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। ये तो आपको मतलब पीरियोडिकली हर हफ्ते जैसे आप चलाते हैं अपना पावर टिलर चेक करते रहें, अगर ऐसे डस्ट नज़र आए तो साथ ही साथ ही आप क्लीन करके नया थोड़ा सा इतनी क्वांटिटी बस 50 ml के करीब डलता होगा बस जो ऑयल है वो डालें। तो दोस्तों अब तक जो भी मैंने 3 स्टेप हैं इसके, पहला PTO शाफ्ट इंजन ऑयल चेंज करना है, उसके बाद जो मेन इंजन है उसको ऑयल चेंज करना है, और तीसरा हमारा ये जो एयर क्लीनर है सिस्टम इसको क्लीन करना, बस ये 3 आसान से स्टेप हैं, तो मुश्किल से आधे घंटे का काम है। और ये जितने भी ये पावर वीडर या टेलर है ना इनकी लोकल सर्विस तो कहीं नहीं होती, सारे इंपोर्टेड स्टाफ है, जुगाड़ सिस्टम है, तो आप घर खुद ही कर लिया करें, किसान ही ये चीज़ खरीदता है और किसान को पता है कैसे करना है, बाहर कहीं धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं है, आसान सा सिंपल सा स्टेप है। तो चलो भाइयों एंजॉय करो आप अपनी खेती और अपने देश का पेट भरो। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, बाय।